जाएगा ठीक है। तो भैया ऑर्डर जो है यहाँ ये सुलभ शर्मा नाम से। हाँ जी ओके। लोकेशन आपने एलियन हाउस को डाला था। नमस्कार, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। भाई आज की इस वीडियो में हम जोमेटो में जो काम करने वाले हैं, तो दिन है मंगलवार का और इधर जो है सोनू भैया देखो क्या मस्त बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और इधर अपनी जो है आईडी तो लॉगिन हो चुकी है फाइनली। 5:34 है और 15 रुपये की कैंसिलेशन का रिटर्न आ चुका है। अभी ऑर्डर लगा नहीं है, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने टाइम ऑर्डर लगता है पहला ऑर्डर। और इधर ये कुलदीप भी आ चुके हैं और यहाँ पर जो है 5:34 हो गया और जो है आईडी भी लॉगिन कर चुके हैं। चलो भाई आज जो है काम हम करके चेक करते हैं। अभी फाइनली जो है गिग्स भाई साहब ये हैं, बाकी 11-12 बिकी गए, रुपए बहुत कम मिलने वाला है तो जो गिग बुक नहीं की है, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं काम वगैरह पूरा फाइनल कितने का हो जाता है और फिर 11-12 भी देखा जाएगा। यहाँ पे लटक भी गया है मुँह और जो है हम भी आने वाले हैं ब्रांच में, तो देखो सारे राइडर आ चुके हैं टोटल फाइनल काम करने के लिए। रोने लगे अंकित, रोने लगा, कह रहे 20-25 का ऑर्डर 62 रुपये का लगा है, 8.17 किलोमीटर, ये है मंगलवार, दे दो 50 रुपये टिप। नहीं दिया मृदुल, चलो रेस कर दिया, आप पहुँचते हैं कहाँ जाना है। चलो ठीक है, अरे यार घर की साइड भेज दिया। हाँ है थोड़ा सा इधर है, आप ही कह भैया लोकेशन थोड़ी आगे के दिख रहे थे क्या, वो डिस्टर्ब आ गया ये भी है। अच्छा, सो फ्रेंड्स अभी हम ऑर्डर को डिलीवर मार कर देते हैं और यहाँ से रेटिंग करते हैं और डॉगी जो है ये है ख़तरनाक और यहीं से वापसी चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ से लगता है एंड कितना है। यू कैन नॉट गो ऑनलाइन, ये क्यों लिख के आ गया, ऑर्डर डिलीवर करते हैं यू कैन नॉट गो ऑनलाइन। अरे है तो ठीक है ना, 68+5 रुपये 90 पैसे मिला हुआ है, 8-6 रुपये रिटर्न पे और 68 रुपये टोटल मिला हुआ है, 62+5 रुपये 85 पैसे, तो इस तरीके जो है 68 रुपये 65 पैसे हो चुका है। और अब चलते हैं रिटर्न, देखते हैं कहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर लगता है। लोकेशन भी ऑन कर लेते हैं जिससे कि कंपनी को दिक्कत ना हो, कंपनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर लगा जो कि 83 का लगा है, 11.6 किलोमीटर का। ठीक, इस ऑर्डर को जाना है लेके IIT, जो कि IIT के अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो भाई देखो जो है दूसरा ऑर्डर कब डिलीवर कर पाए हैं, 7:50 में, बहुत यार टाइम, मतलब इसका ऑर्डर में देखना कितना टाइम लगा टोटल, लॉन्ग डिले देखो लिख के आ गया। क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा बनता, 83+23 रुपये रिटर्न पे 106 रुपये मिला। चलो यार ठीक है, कम से कम जेबू 175 रुपये काम हुआ, काम टाइम 2 घंटे, बाप रे। आज भाई साहब प्राण ले के ही लग रहा है, मारे थे 81 रुपये का ऑर्डर, 10 किलोमीटर का फिर से लगा, आइए एक 2.5 किलोमीटर पिकअप है यार, गजब हो गया सुलभ शर्मा। सभी जो हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अब हम कर लेते हैं कस्टमर का कॉल। अरे कहाँ है ऐप ये, और ये नंबर देख लेते हैं, तो ये नहीं है मकान, करेंगे कॉल ये। अच्छा आपका है क्या, एक मिनट, तो भाई भी मैं ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं और देखते हैं फिर इस ऑर्डर में कितना अमाउंट मिलता है। ये सुलभ शर्मा नाम से। हाँ जी ओके, शायद हम आपके यहाँ पे आ चुके हैं एक बार और। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर मार कर देते हैं और देखते हैं अभी इस ऑर्डर पे जो हमको कितना अमाउंट मिलता है। तो फाइनली चेक करते हैं, 15 रुपये रिटर्न पे एंड 81 रुपये ऑर्डर, यानी 96 टोटल मिला हुआ है। तो चलते हैं अभी जो है, अब ऑर्डर कहाँ से लगेगा भाई, आज बहुत परेशान हो चुके हैं अभी तक, तो पूरे एल लग गए हैं पूरे तरीके से। अभी यहाँ से 6:03 में, यानी हम लोकेशन से ही अपने दूर है, ये देखो। चलो यार ये एक ऑर्डर लगा जो कि ठीक ठाक थोड़ा लगा है, 42 रुपये का लगा, 4.3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर पिकअप है, फिर भी रुपये ठीक ही ठाक है, हो जाएगा ठीक है। तो भैया ऑर्डर जो है यहाँ से डिलीवर कर देते हैं और किसका ऑर्डर ये नहीं पता है, कहाँ पे है पता नहीं। अच्छा आप ही का भैया, कितना अंकिता। हाँ ठीक है भैया, तो फ्रेंड्स ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं और डिलीवर करने के बाद इस ऑर्डर का अमाउंट देख लेते हैं फिर चलते हैं लोकेशन पे। तो भाई ये वाला ऑर्डर जो हमने डिलीवर कर दिया, 125 रुपये कलेक्ट कैश था, कैश कलेक्ट कर लिया, 9.50 हो गया है, ये 32 या ऐसे कुछ रुपये ऑर्डर लगा था, शायद 38 रुपये का ऑर्डर था। चलो देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। तो भाई भी लगा था मल्टी ऑर्डर जो कि हमने ले लिया है और अब चलते हैं लोकेशन पे। तो ऑर्डर लगा था इसी रेस्टोरेंट यस फास्ट फूड और पहला लोकेशन जो है 700 मीटर है, जो कि 64 रुपये का ऑर्डर लगा था, टोटल डिस्टेंस 5.58।
इसी टाइप के। और अभी जो है हम चलते हैं पहला ड्रॉप पे और देखते हैं, फिर इसके बाद जो है सेकंड ड्रॉप करते हैं, फिर कितने का ऑर्डर वगैरह लगता है। भाई काम तो खैर अच्छा खासा हो गया, पर बाइक बहुत चल गई यार, तो इस तरीके से काम की भी ज़रूरत है। चलते हैं भाई लोकेशन पे पहले तो। ओ डॉगी डॉगी डॉगी। तो भाई जो है अभी काम जो है आज ठीक ठाक हुआ। और आप लोगों से एक बात ये बता दें कि जो अब इस तरीके से काम का नुकसान होता है, जैसे कि 10-10 किलोमीटर भेजा और उसके बाद जो हमको पिकअप लोकेशन के लिए फिर से आना पड़ता है कहीं ना कहीं से खाली, तो ये 8-10 किलोमीटर इस तरीके से हमारी 30 किलोमीटर गाड़ी आज टोटल चली है खाली सिर्फ, जिसमें कि 75 किलोमीटर चल चुकी है, तो 35-30 किलोमीटर तो यही हो गया, और 10 किलोमीटर घर से आए तो 40 किलोमीटर हो गया। अब बताओ 35 किलोमीटर का काम में 75 किलोमीटर गाड़ी चली है, बाकी अब काम तो हमारा काउंट होगा वही 35 किलोमीटर। चलो भाई चलते हैं, अभी हम जो है लोकेशन पर डिलीवर करते हैं। और ट्रैफिक वगैरह तो भाई बहुत ही रहता है, आज काम मंगलवार का है, पे आउट कम देता है लेकिन ऑर्डर बहुत अच्छे रहते हैं, बट आज ऑर्डर भी अच्छे नहीं थे। फाइनली अभी जो है देखो ये भैया कहाँ डिलीवर करना है, अब आप दिख भी तो नहीं रहे हैं, देखें कैसे इसमें ज़बरदस्ती गेट पे देखो, गेट पे देखो, गेट पे कहाँ से देख लें, दिखोगे तभी ना दिखेंगे। चलो पहला ड्रॉप कर दिया, अब दूसरा नियर बाई एलन हाउस, अब इनकी लोकेशन हमें लग रहा है गलत होगी क्योंकि सिर्फ जगह का नाम डाले हुए हैं यहाँ पे। चलते हैं भाई देख लेते हैं, वो भी देखेंगे निपटेंगे। अब हमको चलना है यहाँ से, ये तो बंद है रास्ता, और ये रास्ता चलना पड़ेगा वापस जाके। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं भैया दूसरा ऑर्डर डिलीवर करने। हाँ कानपुर के वीआईपी रोड की बात ही अलग है, भगते चले जाओ चाहे जैसे जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से पूरा फुल ट्रैफिक रूल हैं और सारे जो अपना आराम से दौड़ते हुए जाओ। लोकेशन पे तो आ गई, ये स्कूल तैयार और कोई सारस्वती विद्या मंदिर, अरे दूसरा है इसमें, दूसरा नाम लिखा है नियर बाय एलन हाउस पब्लिक स्कूल। चलो कॉल कर लेते हैं, क्या आप ही का? किस नाम से? विजय वर्मा। अच्छा हाँ, लोकेशन आपने एलन हाउस को डाला था? अच्छा बगली में, ठीक है ओके वेलकम भैया। तो फ्रेंड्स अभी जो हम ऑर्डर को डिलीवर मार कर देते हैं और फिर रेटिंग दे देते हैं और देखते हैं कि फिर से कहाँ से ऑर्डर लगता है चुटकियों में। चलो ऑर्डर डिलीवर करके 64 रुपये मिला इस ऑर्डर पर, वेट ऑर्डर लग चुका जो कि लगा देसी पैलेट से, और 68 रुपये का ऑर्डर 7.36 किलोमीटर चलती गाड़ी में लगना ऑर्डर, यानी मज़ेदार काम। तो ऑर्डर को कर लेते हैं हम एक्सेप्ट, और यार गलत लोकेशन भी तो हम जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाना हमको, हमको वैसे जाना पड़ेगा। चलो यहीं चलते हैं ठीक है, तो सीधा पड़ गया 1.2 किलोमीटर। चलते हैं भाई ऑर्डर को डिलीवर करने, जैसे जैसे कस्टमर मिल जाते हैं एक से बढ़ के एक, लेकिन हमें आज कस्टमर अच्छे मिले जो कि टाइम से ऑर्डर डिलीवर हुए, बट एक ही कस्टमर मिले थे जिनमें कि हम दूसरे लिफ्ट में चढ़ गए थे। और अभी पर आज ऑर्डर ने दौड़ा दौड़ा के मारा है मुझे। हम रेस्टोरेंट में भी पहुंच चुके हैं, ऑर्डर देख लेते हैं रेडी है कि नहीं है यहाँ से, अभी ऑर्डर ही नहीं रेडी है, 2 मिनट दिखा रहा है यहाँ से अभी टाइम। रेस्टोरेंट है ये देसी पैलेट, तो चलते हैं हम लोकेशन पर ऑर्डर, पहले यहाँ पर ऑर्डर मांग लेते हैं चल के। भाई जो है हमने ऑर्डर जो है सारे डिलीवर कर दिए हैं, और जो काम भी देखो कितने का हुआ है, तो वो ऑफलाइन भी लगा दिया, 11 बजे ही आईडी बंद कर दी है, मन हो नहीं रहा था भाई बहुत ही, 68 रुपये 50 पैसे यानी टोटल 73 रुपये मिला है, टोटल काम हुआ 490 रुपये का। ठीक है बाइक बहुत चल गई है, रीज़न देखो हेलमेट का, और ये रीज़न की देखो बहुत लंबे लंबे ऑर्डर आप देखो 89 किलोमीटर चली है टोटल, जिसमें कि समझ सकते हो कितना है, जिसमें चलो 9-18 मतलब ये 80 किलोमीटर काम पे चली है, बाकी 10-10 किलोमीटर घर आना जाना हो गया। 8 ऑर्डर में 80 किलोमीटर बाइक का सब, एक मल्टी लगा था ऑर्डर ये। चलो भाई मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, और भाई आज कैश बहुत ही कम मिला है जो कि मात्र 125 रुपये शायद मिला हुआ है कैश, वो कैश हमारे जेब में वो हो जाएंगे कल खर्च, और यहाँ पर अपना काम हम जो है जय श्री राम।